देखिए दोस्तों, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में कितना मेहनत कर रही है सुबह से लेकर अभी तक। और सुबह से हम दो बार लाइव भी जा चुके हैं, एक बार इनके चैनल से, एक बार इम्पैक्ट एकेडमी के चैनल से। तो थक गए दोस्तों, लोग कैसे इतना देर तक लाइव चले जाते हैं हम तो समझ में नहीं आता हमें। तो ये बड़ा इन्जॉय करती है इस तरह के कामों में, इन्हें बड़ी रुचि है। अगर हमारे पास फंड होता तो जनता एक आपसे रिक्वेस्ट है कि फ़ंड भेजिए, हमें जितना हो सके फंड भेजिए। हम इनके लिए एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट हो, स्पेशली बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में ध्यान दे, पेंटिंग में, ये सब चीज़ों में। और आर्ट एंड क्राफ्ट एक बहुत बड़ा, हम ग्लोबली एक बड़ा सा बिजनेस भी बना सकते हैं। तो बच्चे के अंदर हम वो डेवलप कर सकते हैं, बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है, क्योंकि आजकल आप सभी को पता है एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत सारे युवा बेरोजगार है। हम भी हैं। हम भी एक तरह से देखा जाए तो हम भी बेरोजगार है दोस्तों, हम सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो दोस्तों, इससे हमें एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बचने के लिए हमें अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन को तैयार करना होगा। कि हाँ, सरकार कितना देगा जी, हाँ। तो दोस्तों, हमें हमारे भविष्य को तैयार करना होगा, हमारी जनता को तैयार करना पड़ेगा, हमारे प्यारे बच्चों को तैयार करना है, हमें उन्हें एक अलग रास्ता दिखाना है जहाँ से वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी रोजी रोटी कमा सके, एक इज्जत की ज़िंदगी जी सके दोस्तों। तो आप लोग मैडम को फंड कीजिएगा। और ये तो बहुत अच्छी है, तो इन्हें अपना स्कूल एक मिल जाएगा तो और क्या चाहिए इनके लिए। तो आप हमारे दर्शकों से कुछ गुजारिश करना चाहोगे? नहीं, आप खुद ही समझदार हो। ओके, तो इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा है आपके सामने, और उम्मीद करते हैं कि आपने इनकी बातों को समझ लिया होगा। तो देखिए, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, ओ माय गॉड। सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना प्यारा सा आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आपने हमारे दर्शकों को इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है। सो थैंक यू सो मच।